गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज मैं एक बहुत ही अच्छी सोल्यूशन लेके आया हूँ वेब टेक्नोलॉजी के थ्रू, बिकॉज मैं भी बहुत परेशान हो गया था इसको। और मैनी टाइम्स मैंने फील किया है कि ये जो प्रोविडेंट का एरर आता है वो टाइम टू टाइम आते रहता है, और ये रियली इट्स वेरी इरिटेटिंग। तो अभी जाके मुझे इसका परमानेंट सोल्यूशन मिला है, और वो परमानेंट सोल्यूशन आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल गाइस, क्योंकि कभी ना कभी हम सब को ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो गाइस, जिसको ऑलरेडी पता है कैन इग्नोर द वीडियो, और आई रियली थिंक कि जिसके लिए जो नए हैं, जिनको नहीं पता है, इवन लाइक मी, सो उनके लिए बेस्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ। चलिए आपको बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता क्या है। एक्चुअली तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं कि ऑलरेडी ये आपको प्रोविडेंट का दिखा रहा है। सो हम अपने सी पैनल में जाते हैं, तो यहाँ पे हम आ गए सी पैनल में, और यहाँ पे एक फाइल रहती है कॉल डॉट एच टी एक्सेस। सो दोस्तों, ये आप खुद की जनरेटेड फाइल नहीं है, ये सी पैनल के थ्रू जनरेटेड फाइल रहता है। सो यहाँ पे आपको क्लिक करके एडिट पे जाना है, और एडिट करके आपको मिलेगा कुछ कोड्स रहेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेनी कर दिया गया है सब के लिए, यानी कोई भी फाइल फोल्डर आप उस लोकेशन पे अगर ओपन करेंगे तो आपको सेम ये एरर मैसेज आएगा, दैट्स कॉल्ड 043 प्रोवाइडेड एन एरर वाज एम। सो इसके लिए आपको बस एक कोड चेंज करना होता है, और वो कोड है बस अलाउ, ALLOW, बस अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सो मेरा फाइल ओपन हो गया। सो दिस द ट्रिक, बहुत इजी है ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो ये कभी फेल नहीं होगा, ट्रस्ट मी गाइस, ये कभी फेल नहीं होगा जो मैंने लाया। और आपको दिखा दूँ कि जैसे ही मैं इसको डेनी करके भी सेव कर रहा हूँ, देन आई विल गेट बैक एरर। सो ये एरर वापस से आ गया। सो I think it's very perfect solution for this kind of errors if you're getting on your website. So guys, please let me know if the video is helpful for you. Thank you. Thanks for watching, and I love to help. I love to share knowledge with others, because किसी ने कहा है कि knowledge बांटने से बढ़ता है भाई. So thanks for watching, guys.